27% आरक्षण को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज होने वाली बैठक में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही कहा कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए भोपाल से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर खान की यह खास रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से माननीय स्वराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार पिछड़े वर्ग के कल्याण की अनेक योजनाएं उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रारंभ की है। और माननीय स्वराज जी का लगातार ये प्रयास है कि हमारा पिछड़ा वर्ग का जो 27% का आरक्षण, वो आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिले, इसको लेकर सरकार के स्तर पर हम लोग सारे प्रयास कर रहे हैं। और इसी संबंध में आज जो हमारे पिछड़ा वर्ग के माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं, जो लोग भोपाल में उपलब्ध हैं, वैसे तो बहुत बड़ी संख्या है, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए और पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए और हम लोग क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पर आज चर्चा होगी। और उस चर्चा में जो भी आगे के कार्यक्रम तय होंगे, वो चर्चा के बाद आपकी जानकारी में आएंगे। उस आधार पर मुख्य रूप से आज इसके लिए बैठक है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।